नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुआ मतदान। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं ने भी उत्साह के साथ किया अपने मताधिकार का उपयोग। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने सोमवार को छिंदवाड़ा में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए शिकारपुर स्थित प्राथमिक शाला के मतदान केंद्र क्रमांक 17 में किया मतदान। सीधी जिले में मतदान के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त भ्रमण से मतदाताओं का बढ़ा विश्वास। अनूपपुर कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर एवं पुलिस अधीक्षक श्री जयस राजपूत ने लाइन में लगकर किया मतदान। और जबलपुर में 90 वर्षीय सखीबाई ने किया मतदान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश में 6 सीटों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान समाप्त हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ वोटिंग का सिलसिला शाम 6 बजे तक चला। मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया है। मतदान करने के लिए युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाताओं ने अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए जिम्मेदारी, लगन एवं उत्साह के साथ मतदान किया है। वहीं पहली बार मतदान करने वालों में भी रोमांच देखने को मिला। शाम 6 बजे तक 65.86% मतदान दर्ज हुआ। हालांकि ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, मतदान दलों द्वारा अंतिम जानकारी देने के बाद ही आंकड़ा बदलेगा। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा जिले में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्राथमिक शाला शिकारपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 17 पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। प्रदेश में 4 चरणों में संपन्न हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 29 अप्रैल को छिंदवाड़ा सहित 6 लोकसभा सीटों सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट और जबलपुर में मतदान संपन्न हुआ। सीधी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक ने मतदान केंद्रों का संयुक्त भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मतदान केंद्रों में पहुंच चुके मतदान दलों एवं सुरक्षा कर्मियों से चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराएं। इस अवसर पर उन्होंने मतदाताओं से चर्चा कर निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त भ्रमण से मतदाताओं में विश्वास बढ़ा है। अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रमोहन ठाकुर एवं पुलिस अधीक्षक श्री जयस राजपूत ने सुबह 10 बजे मतदान केंद्र 69 शासकीय प्राथमिक शाला सामतपुर में लाइन में लगकर मतदान किया। मतदान पश्चात कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य के निर्वहन का आह्वान किया। इस दौरान वे मतदान केंद्र में नियुक्त वॉलंटियर से मिले एवं उनकी कर्मठता की सराहना की। जबलपुर में बुजुर्ग मतदाता 90 वर्षीय सखीबाई ने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर के मैकेनिकल भवन में बनाए गए मतदान केंद्र क्रमांक 44 में लोकतंत्र के इस महा त्योहार में उत्साहपूर्वक शामिल होकर मतदान किया। बुजुर्ग महिला मतदाता को अल्प समय भी खड़े होने पर परेशानी होती थी, लेकिन सखीबाई ने सुन रखा था कि कलेक्टर द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों में इंतजाम किए गए हैं, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे आसानी से मतदान कर पाएंगी और वे अपने पोते हर्ष वर्मा को लेकर मतदान केंद्र पहुंची। यहां मतदान केंद्र में निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात किए गए कर्मियों, दिव्यांग मित्र ने सहयोग किया और सखीबाई मतदान कर बहुत खुश हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।